दिल्ली विधानसभा की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हमारे बीच में संजय कौशिक साहब हैं, जो कि पूर्व निगम पार्षद रहे जीवनपुर वार्ड से। सर, क्या कहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर ली है दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ने के लिए? देखो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन प्रतिदिन लगा रहता है, उसकी तैयारी है, तैयारी में कोई दिक्कत नहीं, वो तो चुनाव के लिए तैयार है। मुकाबला किससे? मुकाबला तो मेरे ख्याल किसी से भी नहीं है, कोई मैदान में है ही नहीं जी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। क्या मानते हैं, 21 साल का वनवास टूटेगा? निश्चित रूप से। कितनी सीटें मानते हैं? 50-52 सीटें आने चाहिए मेरे अनुमान के अनुसार। इतना विश्वास काम पे या विपक्षी की नाकामियों की वजह से? विपक्ष की नाकामियां भी हैं और हमारा परिश्रम भी है जी। जो हमने जनता की सेवा की है, हमारे कार्यकर्ताओं ने जन जन के जाकर उनके सुख दुख में शामिल हुए हैं, उसके कारण लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर बना है और जिसके कारण इतनी सीटें आने का अनुमान हम लोग लगा रहे हैं। क्या फ्री और हाफ नहीं चलेगा? नहीं, दिल्ली की जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है। आज जनता बदल चुकी है, जनता केजरीवाल के चेहरे को जान चुकी है कि ये किस प्रकार का पाखंड करता है और किस प्रकार जनता को गुमराह करता है फ्री के नाम पर, और बाद में सारा जनता से वसूल कर। आज एक एक विधानसभा के अंदर लगभग 100-100 करोड़ रुपए हर विधायक ने खर्च कर दिए हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। क्या गोकुलपुर विधानसभा के अंदर इतना खर्च? देखो, हमें तो कहीं विकास लग नहीं रहा जी। सिर्फ दिखावा हो रहा है। हमारे यहाँ पूरे क्षेत्र के अंदर जो आज रोडों की स्थिति है, जर्जर अवस्था में रोडें पड़ी हैं, निकलना दुस्साह हो रहा है, और जिस प्रकार का वातावरण क्षेत्र के अंदर है, लोग परेशान हैं। छोटे बच्चे रोड पे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमारे झोरीपुर का मेन रोड देख लो आप जी। अंदर की गलियां देख लो, कहीं भी आप चलो, मैं दिखा देता हूं सारी जी। खुद ही पड़ी है, बस से बदतर हालत है, बुरा हाल है जी। और ऐसी स्थिति में लोग सब जानते हैं कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। क्या माना जाए, दिल्ली के अंदर आप कह रहे हैं 50-52 सीटें आ रही हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम पुनः पहले से ज़्यादा, मतलब 67 से भी ज़्यादा वो उम्मीद लगाए बैठे हैं? नहीं, उनकी तो 70 से भी 72 सीटें आएंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि जितना है उससे भी ज़्यादा लेके आएंगे, क्योंकि वो झूठ का पुलिंदा है जी। जितनी चीज़ें होती हैं उनकी तो उससे फालतू आती हैं। दिल्ली में 70 सीटें हैं, 70 में से उनकी 72 आएंगी। क्या मोहल्ला क्लिनिक नहीं चलेगा? मोहल्ला क्लिनिक में आज देखो ना, आप कुत्ते, गायें, भैंसें, आवारा पशु सारे घूम रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति क्या है? जो मोहल्ला क्लिनिक का उद्देश्य था, वो उद्देश्य तो पूरा ही नहीं हुआ। मोहल्ला क्लिनिक में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, वो सबके सामने है, उस किसी से छुपा नहीं है। संजय कौशिक जी, आप उस समय निगम पार्षद थे जब दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और सेंटर में भी। पहले की दिल्ली और आज की दिल्ली में, कांग्रेस की दिल्ली और आज अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में क्या फ़र्क देख रहे हैं? नहीं देखो, उस टाइम भी हम लोग काम कर रहे थे जी। जिस टाइम हम लोग दिल्ली के अंदर निगम पार्षद के रूप में थे जी, और जिस प्रकार का वातावरण आज है, उस समय का उस टाइम नहीं था। जिस प्रकार का क्राइसिस, आर्थिक क्राइसिस आज नगर निगम में चल रहा है जी। उस टाइम भी चलता था, लेकिन चीजें सुलट जाती थी। मतलब माना जाए कि कांग्रेस का कार्यकाल बढ़िया था दिल्ली के अंदर? नहीं, बढ़िया तो कह नहीं सकते। अगर बढ़िया होता जी, तो दिल्ली से कांग्रेस की सरकार जाती नहीं। ये तो इन्होंने झूठ का पुलिंदा बनाया ना कि शीला दीक्षित बेईमान और मैं ईमानदार। आप ये देखो ना जी, जिस प्रकार का कांग्रेस का कार्यकाल रहा, कांग्रेस ने जिस प्रकार के काम किए, उनकी नाकामियों के कारण ही तो इसको जन्म देना पड़ा जी। और उन्होंने जन्म दिया कि भारतीय जनता पार्टी के, भाई ये विरोध भारतीय जनता पार्टी के, आम आदमी पार्टी के जन्मदाता कांग्रेस आप कह रहे हैं? मेरे अनुसार कांग्रेस ही है। आप देखो ना जी, उनके कांग्रेस से रिलेशन है जी। नहीं तो जिस प्रकार उन्होंने खंभों पर चढ़कर बिजली के कनेक्शन काटे, क्या उस टाइम उनको जेल नहीं जाना चाहिए था? उन पर कोई कार्रवाई कांग्रेस ने की नहीं? क्यों नहीं की? मिलीभगत थी ना, ये कांग्रेस की बी टीम है। आप बताओ, करना चाहिए था ना इनको, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। इसको बढ़ावा किसने दिया? जंतर मंतर पर बैठ कर इस तरह का जो जनलोकपाल पिल और वो क्या है, कागज लेके कुछ भी, कोरे कागज खड़ा हो जाता था शीला दीक्षित के पास खिलाफ में, दस दिन में जेल भेजेंगे इतने आरोप हैं, ये है जी। ये क्या था? क्यों नहीं शीला दीक्षित को उसने जेल भेजा? हाथ भी नहीं लगा पाए हाथ आज वो आरोप कहाँ गए? आज एक भी आरोप नहीं है। आप मुझे बताओ ना जी। तो कुल मिला के माना जाए कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली से जाना तय है? मैं कह रहा हूँ 100% आम आदमी पार्टी दिल्ली से जाएगी,
भारतीय जनता पार्टी आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के सुख दुख और दर्द की साथी है। दिल्ली के अंदर जब भी विकास आया है तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आया है, चाहे मदन लाल खुराना जी, मदन लाल खुराना रहे हो, साहब सिंह वर्मा हो, सुषमा जी रही हो, उसी दौरान विकास हुआ। लेकिन आज बताओ ना, आज क्या दिल्ली के अंदर क्या स्थिति है? बद से बदतर दिल्ली को बना दिया। दिल्ली 200 यूनिट आम आदमी पार्टी फ्री दे रही है बिजली, तो वो किसके पैसे से दे रही है मुझे बताओ ना मेरे भाई। हमारे ही तो रेवेन्यू जा रहा है जी। सब्सिडी के रूप में उसको दे रही है बिजली कंपनियों को। जनता को तो फ्री का चाहिए, वो मिल रहा है और वो जय जयकार कर रहे हैं मेरे भाई। आज जनता को जब पता लगेगा कि ये पैसा मेरी जेब का जा रहा है, तब पता लगेगा ना क्या हो रहा है दिल्ली। रिक्शे वाले को, रेड़ी पटरी वालों को क्या मतलब, उन्हें तो फ्री मिल रहा है ना। नहीं, देश का विकास कैसे होगा मुझे बताओ ना। जब राजा सारा खजाना लुटा देगा तो राज्य कैसे चलेगा मुझे बताओ ना। संजय कौशिक जी, चर्चा चौराहे से ये निकल रही है कि आप भी टिकट मांग रहे हैं। नहीं देखो, मांगना राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते पार्टी में काम कर रहे हैं जी। तो मांगना तो स्वाभाविक रूप है कि भाई आदमी मांगता है, इच्छाएं होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं आगे बढ़ने की। देना ना देना वो संगठन का काम है। सवाल ये कि कौन सी विधानसभा? नहीं, अभी कोई विधानसभा तय नहीं है, ना कोई मेरा इस विषय में कोई वो है। पार्टी जो कहेगी, मैं अगर पार्टी देगी तो लड़ूंगा, नहीं देगी तो कोई बात नहीं। संगठन किसी भी विधानसभा के लिए आप तैयार हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, किसी भी विधानसभा के लिए तैयार हैं जी। संगठन में चर्चा करके जो चीज़ें निकलेंगी उसके अनुसार काम कर। ये कन्फर्म है मांग रहे हैं? हाँ, ये कन्फर्म है, मैं टिकट मांग रहा हूँ और इच्छा भी है मेरी चुनाव लड़ने की। अगर संगठन मुझे लड़ाएगा तो मैं लड़ूंगा, और जिस प्रकार का मेरा कार्यकाल रहा है साफ सुथरा, उसके अनुसार टिकट मांगना भी बनता है, तो उसके अनुसार मैं मांग रहा हूँ। अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं निश्चित रूप में लड़ूंगा, नहीं देगी तो संगठन के लिए काम करूंगा, जहाँ ड्यूटी लगाएगी वहाँ उम्मीदवार को जिताने के लिए काम करूंगा। संजय कौशिक जी, चलते चलते दिल्ली की जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं दिल्ली की जनता से यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जो भी कैंडिडेट आए, आप उसको मन से विजय बनाने में काम करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी होगा वो काम करेगा। और आज मोदी जी का जो नेतृत्व देश के अंदर है, ऐसा सशक्त और मजबूत नेतृत्व किसी भी पार्टी के पास नहीं है। आज विश्व में भी हमारे प्रधानमंत्री जी की जय जयकार है, और उनके समकक्ष भी कोई लीडर है नहीं। जिस प्रकार का उन्होंने भारत वर्ष का परचम पूरे विश्व में फहराया है, उसी प्रकार आज दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का आने वाले चुनावों में 2020 में परचम लहराएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यही मेरी दिल्ली की जनता से अपील है, निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, विजय बनाएं और दिल्ली का विकास कराएं।